हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 भौतिक विज्ञान अध्याय 7। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बल आघूर्ण, समांतर बल और उत्तोलक से अभी तक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, पहला हमारा है दो असमान समांतर बल 2 न्यूटन और 16 न्यूटन एक 21 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं। बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों का परिणामी बल कार्य करेगा। यह 2019 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन थे 2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था 1 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन था 3 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। देखिए इसे कैसे लगाते हैं हम लोग। देखिए प्रथम बल जो है बड़ा बल P बराबर 16 न्यूटन मान लीजिए, दूसरा बल को Q मान लीजिए, Q बराबर मान लीजिए कितना 2 न्यूटन। कुछ इस प्रकार से फिगर आपका बन जाएगा। देखिए यह मान लीजिए आपका है, यह आपका 21 सेंटीमीटर की छड़ है। इस पर आपने P न्यूटन का एक 16 न्यूटन P जो है एक 16 न्यूटन का भार यहाँ पर और यहाँ एक 2 न्यूटन का एक बड़े बल को आपने क्या किया रख दिया। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर O है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x है, तो पूरी दूरी 21 है, तो यहाँ से 21 माइनस x हो जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे हम प्रथम, तब देखिए इसमें एक सूत्र होता है, प्रथम बल गुणे प्रथम बल की दूरी, यानी कि यह वाली ये और ये, ये और ये दोनों का गुणा आपस में बराबर होना चाहिए, तब उस बिंदु पर भार समान होता है। तब प्रथम बल गुणे प्रथम बल का परिणामी दूरी, दूसरा बल गुणे दूसरे बल की परिणामी दूरी, यानी P गुणे OA बराबर Q गुणे OB, यानी P का मतलब है 16 न्यूटन, OA का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, Q का मान कितना है 2 न्यूटन और ये OB का मान कितना है 21 माइनस x। ये हो जाएगा 16 का x में गुणा होगा 16x, 2 का गुणा 21 में 21 दूना 42 -2x। अब ये इधर जाएगा तो 16x में और 2x इधर आएगा तो जुट जाएगा 18x बराबर 42x, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 42/18, यानी कि भाग देंगे तो 18 दूना 36 2.3 सेंटीमीटर लगभग। तो अगर यह 3 जो है 5 4 या 4 से बड़ा होता तो जो है कि 3 हो जाता, लेकिन 4 से छोटा, इसलिए हो जाएगा हमारा कितना लगभग 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पर हाइलाइटेड प्रश्न को थोड़ा समझ सकते हैं। दो अदृश्य तथा असमांतर बलों का परिणामी उनके परिमाण के अंतर के बराबर होता है। दो सदृश बलों का परिणामी उन बलों के योग के बराबर होता है। दो सदृश समांतर बलों पी तथा क्यू का परिणामी उनके योग पी प्लस क्यू के बराबर तथा दोनों के ही समांतर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया हमारा है। 2019 में इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल F के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा खुरदरी सतह पर खींचा जाता है। ब्लॉक का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड² हो तो घर्षण बल F का मानोगे। ऑप्शन क्या है, 35 न्यूटन, 18 न्यूटन, 9 न्यूटन, 54 न्यूटन। आपका आंसर आ जाएगा हो कितना 18 न्यूटन। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान 6 किलोग्राम, ब्लॉक पर लगाया गया बल कितना है 54 न्यूटन, ब्लॉक का त्वरण कितना है 6, घर्षण बल आपको बताना है कितना है 54 न्यूटन पर बल आरोपित करने, ब्लॉक को त्वरित करने वाला नेट बल F बराबर m गुणे a, यानी देखिए m का मान भी 6 दिया है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान है और 6 किलोग्राम 6 मीटर प्रति सेकेंड² का त्वरण है। इसका मतलब 6 का गुणा 6 में करेंगे 6 6 के 36। पहले कितना था 54, 54 में से 36 को आप घटा देंगे, ब्लॉक की सतह पर बीच कार्य करने वाला घर्षण बल जो होता है F बराबर 54 में से 16 को घटा देंगे तो 18 न्यूटन, जो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पर हाईलाइट पॉइंट के बारे में बात कर लें। घर्षण बल वह स्वसमंजक बल है जो तथा स्थैतिक संतुलन की स्थिति में उसका मान लगाए गए बल के बराबर होता है, जिससे कि पिंड की गति में आने से रोका जा सके। स्थैतिक घर्षण बल को μs घर्षण गुणांक को स्पर्श जिया के बराबर होता है, यानी μs बराबर tan थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है घर्षण कोण होता है।
चरम या सीमांत घर्षण बल एफ एस और अभिलंब प्रतिक्रिया आर एस के अनुपात को म्यू एस कहते हैं, यानी एफ एस बटे आर बराबर म्यू एस आर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी, यानी 60 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर दिया है, 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया, यदि खंभे के दोनों सिरों में दो आदमी के यदि खंभे के दोनों सिरों सिरे दो आदमी के कंधों पर टिके हों तो दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार है क्या। देखिए ऑप्शन कुछ है इस प्रकार के, 2018 में इस पे प्रश्न पूछा गया था, देखिए कैसे लगाएंगे। मान लीजिए देखिए एक का जो है भार W1 है, दूसरे का भार W2 है, जो है ये एक दूसरे से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, या 6 सेंटीमीटर दिया तो 0.6 मीटर बना लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है, तो अब समझ सकते हैं W1 + W2 बराबर कितना, 150। समीकरण नंबर 1, बिंदु A के परिधि आघूर्ण लेंगे तो W1 × 0 + 150 × 0.6 −W2 × 1.5 = 0, यानी कि ये वाला पोर्शन तो पूरा 0, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1.5 इधर भाग कर देगा, W2 बराबर आपका हो जाएगा 150 × 0.6 / 1.5। अब आप भाग देंगे तो यह दशमलव दशमलव एक अंक पर है, 15 दहां पर 150, 10 छक्का 60, डायरेक्ट आपका कितना आ गया 60। W2 का मान कितना आ गया हमारा 60। W2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, W1 का मान जो है कि W2 का मान 60 है और दोनों का योग 150 है, तो W1 का मान सीधी सीधी बात है कि 9 × 6 = 15, 90 हो जाएगा, यानी कि आपको अब देखेंगे कि W1 का मान 1 आ गया 90 और W2 का मान आ गया 60। अब ऑप्शन में देखेंगे 60 और 90 वाला कहीं ऑप्शन मिल रहा है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर B 60 और 90 आंसर हो जाएगा B। 2018 में कुछ इस प्रकार का सवाल था। अब इस पर हाईलाइटेड पॉइंट देख लें, संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु पर आघूर्णों का योग 0 होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक लाभ यम में भार यल और बल ई से संबंधित है, तो आपको बता दें यांत्रिक लाभ भार यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास होता है, अंग्रेजी में लोड बोलते हैं और इसे बल से इफोर्ट, तो अर्थात यम ए बराबर यल बटे ई, यानी यल ई को इधर पक्षांतर कर देंगे, आप ई को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यल बराबर यम ए गुड़े ई, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार के, यल ए बराबर यम ई, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। 2016 में इस प्रकार से प्रश्न इसमें आया था, हाईलाइट पॉइंट देख ले थोड़ा सा। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब आयास तथा भार के बीच कहीं स्थित होता है, जैसे तराजू कैंची प्लास कील उखाड़ने का हथौड़ा इत्यादि, तो आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में प्रश्न पूछ सकता है कि तराजू जो है किस वर्ग का उत्तोलक है, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, प्लास कील उखाड़ने वाला हथौड़ा किस वर्ग का उत्तोलक है, तो आंसर हो जाएगा का प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार के मिलता है, आयास और भार के बीच में आलंब होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार आयास जो भार होता है आयास एवं आलंब के बीच कहीं स्थित होता है, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन सरावता, जैसे नींबू इसमें बात याद रखना है कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन अगर है या सरावता है तो यह किस वर्ग का उत्तोलक है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। तृतीय वर्ग का उत्तोलक देखिए क्या होता है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास जो होता है भार एवं आलम के बीच कहीं स्थित होता है, जैसे चिमटा मनुष्य का हाथ किसान का हल, यह पूछा जा सकता है कि चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है, मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक है, किसान का हल जो है किस वर्ग का उत्तोलक है, तो आंसर क्या होगा तृतीय वर्ग का उत्तोलक, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, लीवर को हिंदी में उत्तोलक कहा जाता है, यानी उत्तोलक का या लीवर का या दोनों बात एक ही है। लीवर जिसके लिए यांत्रिक लाभ जो होता है सदैव 1 से कम होता है, तो जो ऑप्शन होगा आपका आयास जो होता है आलंब और भार के जब बीच में होगा तो यांत्रिक लाभ सदैव 1 से क्या होता है, 1 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। किसी उत्तोलक या लीवर द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए बल आया बल के अनुपात या आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं, या लीवर या उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास, आयास भुजा बटे भार की भुजा, यम में बराबर यली बटे यल बटे ई, लीवर का उत्तोल यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, आयास आलम्ब आपके बीच हो तब। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए, प्रथम वर्ग उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, ध्यान देना आपको कि जब प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा तो जो यांत्रिक लाभ होगा 1 से अधिक होगा, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होगा तो 1 से
भी फिर भी तभी भी एक से अधिक होगा, लेकिन तृतीय वर्ग का उत्तोलक है तो सदैव एक से कम होगा, ध्यान देना इस बात को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कम से कम हवा की गति क्या होगी जिससे आवश्यक रूप से कार्य करके वायु जनरेटर से विद्युत पैदा करें। 2015 में प्रश्न पूछा गया था, आपको ध्यान क्या देना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं कैसे। बहती हुई पवन को ऊर्जा कहते हैं। यह एक प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा है जो इस पवन ऊर्जा को पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर तब जनित्र में की मदद से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। वायु जनरेटर से विद्युत पैदा करने के लिए हवा की गति कम से कम 10 किलोमीटर होनी चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ध्यान देना आपको। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। वायु के प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। वायु का जो प्रवाह होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। वायु की गति का जो मापन एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायु की गति को किसमें मापा जाता है, एनीमोमीटर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण किया गया कार्य होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, किया गया कार्य होता है। 2007 में प्रश्न आया था। किसी बिंदु के परिता बल आघूर्ण जो टाउ बराबर बल का परिमाण गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच लंब क्रिया रेखा की बिंदु से लंबवत दूरी, यानी टाउ बराबर एफ डी न्यूटन मीटर। इसी प्रकार से किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर बल का परिमाण एफ गुणे बल की दिशा में विस्थापन एफ डी, यानी दोनों आपस में मात्रक आपस में बराबर। समीकरण 1 और 2 से अगर हल करेंगे तो टाउ बराबर जो होगा डब्ल्यू, अतः बल का आघूर्ण बराबर किया गया कार्य। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। जब दो बलों की क्रिया रेखाओं की दिशा एक होती है अर्थात समान होती है, तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, तब ऐसे बल को समदिश समांतर बल कहा जाता है। जैसे तराजू प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, कोई बल अपनी क्रिया पर रेखा पर स्थित बिंदुओं पर घूर्णन गति नहीं कर सकता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है एक से कम। आपको अभी भी बताएं यांत्रिक लाभ सदैव क्या होगा, एक से कम। एक द्वितीय प्रथम और द्वितीय में एक से अधिक होता है, प्रथम में एक से अधिक होता है और तृतीय में आपको ध्यान देना है एक से कम होता है। देख, किसी उत्तोलक यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास या प्रयास, यानी सूत्र में लिखेंगे प्रयास भुजा बटे भार भुजा। चूंकि तृतीय प्रकार के उत्तोलक जैसे चिमटा आदि में आलम्ब एवं भार के मध्य प्रयास होता है, इनमें प्रयास भुजा भार की भुजा की तुलना में कम लंबी होती है। इसी प्रकार तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। हाईलाइट पॉइंट देखिए। जब दो बलों की क्रिया रेखाओं की दिशा परस्पर विपरीत होती है, वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो ऐसे बलों की विपरीत दिशा अथवा अदृश्य समांतर बल कहा जाता है। ठोस गोले का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र पर होता है। रस्सी पर चलता हुआ नट आदमी अस्थायी संतुलन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है एक से अधिक। प्रथम और द्वितीय में क्या होता है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। 2005 का ये सवाल है। हम जानते हैं कि एक उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एम ए बराबर भार बटे प्रयास, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। चूंकि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उत्तोलकों जैसे सरवता कूड़ा उठाने की गाड़ी आदि में आलम्ब एवं प्रयास के मध्य भार होता है, इसी कारण इनमें प्रयास भुजा की लंबाई का मान भार भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ध्यान दीजिए हाईलाइट पॉइंट। दो समदिश समांतर बल अथवा दो सदृश समांतर बल पी तथा क्यू का परिणामी सदैव उनके योग के बराबर होता है, आर बराबर पी प्लस क्यू। प्लास प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, प्लास या पिलास बोले। किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार को बोझ कहलाता है, यानी अंग्रेजी में लोड कहते हैं। किसी मशीन पर लगाया गया बल आयास या प्रयास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल एक उत्तोलक, हल तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ध्यान देना है। हल किस प्रकार का उत्तोलक है, तृतीय प्रकार का। प्रश्न आया है 2008 में। हल एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ये आपको बताएंगे। हाईलाइट पॉइंट देखिए। दो समदिश समांतर बलों का परिणामी की दिशा सदैव उन बलों की दिशा में होती है। दो विपरीत दिशा अथवा अदृश्य समांतर बलों का परिणामी सदैव उन बलों के अंतर के बराबर होता है। मनुष्य की कोहनी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। कोई गाड़ी जब पलट जाती है तो उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा आधार रेखा से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरावता किस प्रकार का उत्तोलक है। तो सरावता आपका किस प्रकार का होता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अभी भी हमने बताया था सरावता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, 2010 में आया था यह प्रश्न।
श्रोता द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है, श्रोता में आलंब एवं प्रयास के मध्य भार होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के लिए आंतरिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए, तराजू प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, कैंची एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, कैंची के लिए आंतरिक लाभ 1 से कम 1 अथवा 1 से अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, तराजू एक उत्तोलक है, तराजू आपका एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2009 में प्रश्न पूछा गया, तराजू एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। हाईलाइट पॉइंट देखिए, भौतिक तुला आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करती है, भौतिक तुला द्वारा वस्तुओं अथवा पदार्थों के द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है, किस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक अथवा 1 से कम भी हो सकता है, तो आप बता सकते हैं यांत्रिक लाभ प्रथम जो है, प्रथम प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। यह 2011 का प्रश्न था। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए, एक उत्तोलक की संतुलन अवस्था में मुख्यतः भार गुणे भार भुजा बराबर प्रयास गुणे प्रयास भुजा होती है। नींबू निचोड़ने का यंत्र द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, नींबू निचोड़ने का जो यंत्र द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन देखिए है, बल एफ और दूरी डी एवं बल आघूर्ण टाउ के बीच संबंध होता है, तो आप बता सकते हैं टाउ बराबर एफ गुणे डी होता है, टाउ बराबर एफ गुणे डी, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टाउ बराबर एफ गुणे डी। 2011 का प्रश्न था कुछ इस प्रकार का। हाईलाइट पॉइंट देख लिए, एक उत्तोलक आघूर्णों के सिद्धांत पर आधारित एक सरल मशीन होती है जो किसी आलम के परितः घूम सकती है। जिस बिंदु के परितः कोई उत्तोलक घूम सकता है उसको आलम कहा जाता है। इस बिंदु को बिंदु पर उत्तोलक को संतुलित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, निम्नलिखित यह क्वेश्चन देखिए 2012 में पूछा गया था, निम्नलिखित चित्र में बल युग्म का आघूर्ण है, ये देखिए, ये 24 न्यूटन का बल ऊपर की ओर, ये 24 न्यूटन का बल नीचे की ओर, यह था जो है 10 मीटर की, यह है 10 मीटर की बीच की दूरी। अब देखिए कैसे लगाएंगे, इसका तो डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं 240 होगा, अब देखिए कि कैसे बताएंगे आप। देखिए बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र था, दोनों बलों में से एक बल अगुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, यानी दोनों बल 24 24 न्यूटन है, एक 24 न्यूटन का बल ले लीजिए, लंबवत दूरी 10 मीटर है, तो अब बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एफ गुणे डी, टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 गुणे 10, यानी 240 न्यूटन मीटर। अब हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए इसकी, एक दोषयुक्त तुला में जब दोनों पलड़ों का के भार समान न हो तो वस्तु के दोनों पलड़ों पर रखकर वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः M1 व M2 ज्ञात करते हैं, तब शुद्ध द्रव्यमान M बराबर M1 प्लस M2 बाई 2 होगा। एक दोषयुक्त तुला की भुजाएं बराबर न हो तो दोनों पलड़ों पर वस्तु का द्रव्यमान तौलकर M1 व M2 ज्ञात करके उस वस्तु का द्रव्य तो वस्तु का शुद्ध द्रव्यमान होगा M बराबर √M1 गुणे M2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दंड की लंबाई 10 मीटर है एवं इसके दोनों सिरों पर 20 किलोग्राम या 40 ग्राम के दो पिंड लटक रहे हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है तब संतुलन बिंदु की दूरी 40 किलोग्राम वाले द्रव्यमान से होगी। सेम पहला वाला सवाल जैसे हल किए उसी तरह हल करेंगे हम लोग। यह मान लीजिए हमारी क्या है, 10 मीटर की एक दूरी है ए और बी, यहाँ पर कितना 20 किलोग्राम भार लटकाया गया, इधर कितना लटकाया गया है 40। आपको बता दें कि यह जो बीच में भार जो होगा बराबर होगा बीचों बीच में, यहाँ से यहाँ की दूरी 5, यहाँ से यहाँ की दूरी 5। मान लीजिए कि x दूरी पर दोनों या दोनों मतलब समान होगी, तो यह वाला इसका गुणा इसका वाला इसका गुणा दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए बिंदु डी पर, मान लीजिए बिंदु डी यहाँ पर है, मान लीजिए यह बिंदु डी पर जो संतुलन की अवस्था में, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 की 10 - x है, यानी कि 20 × 10 की 10 - x और 40 × x दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको परीक्षा में आसानी होगी, जिस प्रश्न जिस द्रव्यमान से प्रश्न पूछेगा उधर आप x मानेंगे तो बहुत आसानी से x का मान निकल जाएगा तुरंत, आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो डी पर लगने वाले लेने वाले डी बिंदु डी पर घुड़ लेने पर क्या होगा, 20 × 10 की पावर - x धन 6 × 6 कोष्टक में 5 - x यह बराबर कितना 40x, तो इसका गुणा करेंगे 220 का गुणा करेंगे 20x प्लस 6 × 5 = 30 6x। अब देखिए यहाँ से आप इधर उधर पक्षांतर कर लेंगे तो 66x बराबर 230 आएगा। अब यहाँ से x का मान हल करेंगे तो 3.48 आ जाएगा, तो अब देखेंगे 3.48 कहाँ है, 3.48 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2005 का ये सवाल आया है।
अब हाईलाइट पॉइंट पर देख लें थोड़ा सा। एक समरूप छड़ का गुरुत्व केंद्र के मध्य बिंदु पर होता है। एक समरूप छड़ का जो गुरुत्व केंद्र होता है छड़ के मध्य बिंदु पर होता है। एक बेलन का गुरुत्व केंद्र उसके अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। 17वां क्वेश्चन है, समदिश समांतर बलों की क्रिया रेखा होती है, 2013 का सवाल है, एक ही दिशा में होती है। समदिश समांतर बलों की क्रिया रेखा कहाँ होती है, पहले ही बता चुका हूँ, एक ही दिशा में, 2013 में पूछा गया था। हाईलाइट पॉइंट की बात कर लें थोड़ा सी। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। यदि बल पिंड को किसी अक्ष के परिता वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर प्रवृत्त रखता है तो उसे धनात्मक आघूर्ण कहते हैं। यदि कोई बल किसी पिंड को किसी अक्ष के परिता दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्त होता है तो उसे ऋणात्मक, तो आघूर्ण ऋणात्मक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, पहला, एक ही दिशा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा उत्तोलक और इस पर आधारित प्रश्नों को हल किया। इसी प्रकार की वीडियो मतलब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।